आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। हम धर्म की आड़ में वोट नहीं मांगते, राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं। एक के बाद एक कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं कि भगवान के राम नाम पर आखिर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। राम जी बीजेपी के हो गए हैं, हनुमान जी आम आदमी पार्टी के हो गए हैं, कांग्रेस को भी कोई ना कोई सहारा मिल ही जाएगा। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत एट नाइन में आपका बहुत स्वागत है और आज तीन तस्वीर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहली तस्वीर, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है लेकिन कई सारे अनुष्ठान हैं जो आज से शुरू हो गए हैं। दूसरी तस्वीर ये कि राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया है। तीसरी तस्वीर ये कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। और चौथी तस्वीर, हालांकि मैंने जिक्र तीन तस्वीर का किया लेकिन चौथी तस्वीर भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाती है। दरअसल एक पूरा प्लान जो है 22 जनवरी को लेकर वो ममता बनर्जी का सामने आ गया है। अब आप ये कहेंगे कि मैं इन पर बात क्यों कर रही हूं। इन पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये सीधे 22 तारीख से जुड़े हुए तस्वीर है या ये कहें कि मुद्दे हैं। देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं। जोरों शोरों से तैयारियों के बीच तेरे राम मेरे राम करके हर कोई होड़ मचाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस जो कि एक गठबंधन है लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें से कई ऐसे दल हैं जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर चुके हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस ने भी मना किया था कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। भगवान राम भी सोच रहे होंगे और देख रहे होंगे कि मैंने क्या बना दिया, मैंने तो इंसान बनाए थे। इस उसमें कि इंसान एक दूसरे को समझेगा, एक दूसरे की दुख तकलीफ में साथ निभाएगा, लेकिन ये लोग तो मेरे ही नाम पर सियासी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ऐसा भगवान भी ने भी नहीं सोचा होगा लेकिन ऐसा हो रहा है। सब अपनी अपनी तरीके से भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को निमंत्रण मिला है वो आने के लिए तैयार नहीं है, जिन लोगों को नहीं मिला है वो भी आवाज उठा रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला क्योंकि बीजेपी इसे अपना इवेंट और आरएसएस इसे अपना इवेंट कह रही है। लेकिन जिन्होंने मना किया है उनके अंदर अब ये बात घर कर गई है कि राम मंदिर का न्योता मिला लेकिन हम गए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान राम हमसे रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता हमें नकार देगी। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके के अनुष्ठान, तमाम तरीके की पूजा अर्चना चल रही है। अरविंद केजरीवाल को ही ले लीजिए, सबसे पहले शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड का पाठ किया तो आम आदमी पार्टी के नेता कहने लगे कि अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, राम जी के बड़े भक्त हैं। सवाल ये है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का इवेंट है, आरएसएस का इवेंट है, हम उसमें नहीं जाएंगे, तो आप दूसरी तरफ ये कैसे कह सकते हैं कि आप राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। वो एक कार्यक्रम रखा गया है देश के लिए, देश की जनता के लिए, और विदेशों से भी अगर कोई आना चाहे या मंदिर में वहां पर रामलला के दर्शन करना चाहे तो किसी को भी रोका नहीं जाएगा। ये आस्था का विषय है, आस्था का प्रतीक है, लेकिन शायद ये लोग इसे समझ नहीं पा रहे और इसी वजह से अपनी अपनी तरीके से रोटियां सेकते हुए सियासी नजर आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने सहारा ले लिया हनुमान जी का कि हनुमान जी को मना लीजिए, राम जी तो खुद मान जाएंगे। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। तो ममता बनर्जी ने आज के दिन एक बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि 22 जनवरी को सद्भाव रैली हम करेंगे, यानी कि टीएमसी सद्भाव रैली करेगी, ये सभी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए होगी। क्यों 22 तारीख का दिन ही क्यों चुना गया? क्या ध्यान आकर्षित एक उधर करना चाहते हैं और दूसरी तरफ 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो है ही। 22 जनवरी আমরা এটা কিন্তু আমার দলের প্রোগ্রাম, আমি নিজে একটা র‍্যালি করব। তো वही
अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस और भाजपा ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक नरेंद्र मोदी फंक्शन बना दिया। ये आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम है और यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। तो राहुल गांधी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये कार्यक्रम मोदी जी का है, हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि हम धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, हम धर्म की आड़ में वोट नहीं मांगते हैं। राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं। हो सकता है कि न्याय यात्रा में निकले हैं तो उनकी जो बुद्धि शुद्धि भी हो गई हो, यही वजह हो सकती है कि इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने इसे आस्था से जुड़ा ना कहकर बल्कि एक इवेंट करार दे दिया है। अब आप ये कहेंगे कि बार बार इसी टॉपिक पर चर्चा क्यों? इसी टॉपिक पर चर्चा इसलिए क्योंकि एक के बाद एक कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं कि भगवान के राम नाम पर आखिर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। भगवान राम से जब से इस मंदिर को लेकर विवाद शुरू हुआ है तब से राजनीति जो है वो बखूबी हुई है और हर किसी ने अपनी अपनी तरीके से राजनीति करने की कोशिश की है और लाभ उठाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं की गई है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप 22 तारीख को नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ आप भगवान को बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हम सभी धर्मों के साथ हैं। हिंदू धर्म से जुड़े सबसे प्रमुख लोगों ने भी अपने विचार रखे हैं और कहीं ना कहीं आप शंकराचार्य को भी बीच में ले आते हैं कि एक राजनीतिक कार्यक्रम है इसीलिए शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे हैं। बात बस इतनी सी है, इतना समझना है कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस से जुड़ा कोई इवेंट है तो फिर आपको डर किस बात का लग रहा है? अचानक से हवन यज्ञ करने लग जाते हैं, अचानक से आप सुंदरकांड का पाठ करने लग जाते हैं, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल ये है। या फिर भगवान को भी आपने अपने हिसाब से बांट दिया है कि राम जी बीजेपी के हो गए हैं, हनुमान जी आम आदमी पार्टी के हो गए हैं, कांग्रेस को भी कोई ना कोई सहारा मिल ही जाएगा, उधर कृष्ण को समाजवादी पार्टी अपना बताती है। हालांकि राहुल गांधी ने एक बात स्पष्टता से कही है कि इंडिया अलायंस में से अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, हम रोकेंगे नहीं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन इसी बीच उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी कई तरह के सवालों के जवाब दिए हैं। राहुल गांधी ने, क्योंकि संयोजक नहीं बने नीतीश कुमार, तो राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और हम पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी गए थे तब भी उनका जोश हाई था और अब न्याय यात्रा को लेकर भी उनका जोश पूरी तरह से हाई है, लेकिन धरातल पर क्या नजर आएगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त पूरा देश राम में हो चुका है, अगर इस वक्त भी आपने बयानबाजियां नहीं बंद की तो आने वाले समय में मुश्किल आप लोगों के लिए हो सकती है। आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले कि इसे कवर अप करने की, लेकिन कवर अप होना मुश्किल हो जाएगा। विपक्षी इंडिया गठबंधन से जुड़े सवाल पर वो कहते हैं कि विचारधारा की यात्रा है, इंडिया अच्छी तरह चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, चुनाव अभियान चलाया जाएगा, उसमें हम सभी भाग लेंगे। तो ये बातें भी आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप राम नाम का सहारा भी ले रहे हैं, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे भी नहीं क्योंकि तो बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये बीजेपी का इवेंट है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बैठक की थी तो बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राम मंदिर को लेकर संयम बरतने की जरूरत है, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मंत्रियों से कहा था। जोश में होश नहीं खोना है, जोश में रहिए, राम मंदिर को लेकर सही जानकारी सटीकता के साथ लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन आक्रामक नहीं होना है। और तब से हम देख रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजियां नहीं हो रही है, लेकिन अगर विपक्ष कुछ बयानबाजी कर रहा है तो उसमें पलटवार बीजेपी लगातार करती हुई
नजर आ रही है। तो राम मंदिर से जुड़े सारी बातें, राम मंदिर में नहीं जाना है या जाना है, ये किसी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, जैसा कि तमाम पार्टियां कह भी रही हैं। लेकिन इसको बॉयकॉट कर देना, इसे बीजेपी का इवेंट बता देना, ये कहीं ना कहीं गलत होता है। अगर भगवान के नाम पर इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसका 550 सालों से इंतजार देश का हर एक सनातनी कर रहा था, तो उसको राजनीति में घुसा देना गलत है। राजनीतिक लाभ लेना बंद कर दीजिए तो शायद बेहतर रहेगा, क्योंकि आस्था को राजनीति में मत लेकर आइए। कुछ ऐसे भी तस्वीर निकल कर सामने आई थी कि चारों जो शंकराचार्य हैं वो इसमें नहीं जा रहे हैं। हालांकि वो इस पर कल भी मैंने बात की थी और वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि राम मंदिर कोई पॉलिटिकल इवेंट है या फिर बीजेपी का इवेंट है या फिर आरएसएस का इवेंट है। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। अब जो आयोजनों की शुरुआत हुई है वो भी कहीं ना कहीं धर्म अनुष्ठान के हिसाब से है। हो सकता है कि उन्हें मना लिया जाए, हो सकता है कि वो भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आए, लेकिन देश का बच्चा बच्चा खुश है। इससे समझ जाना चाहिए कि देश एक नई राह पर बढ़ रहा है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि इस पर जो राजनीति हो रही है वो सरासर गलत है, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का इवेंट है, तो फिर आपको भगवान से मनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप भगवान को मना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भगवान को मना रहे हैं, उधर ममता बनर्जी एक रैली निकाल रही हैं कि हम रैली निकालेंगे उस दिन बताएंगे, सब धर्म को जोड़ने की कोशिश हम करेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो हिंदू वोट है वो तो भाजपा की तरफ चला जाएगा, लेकिन जो बाकी वोट है वो तो हमारा रहे। आप देखिए, निकलिए सड़कों पर, राम मंदिर को लेकर सिर्फ सनातन ही नहीं, हिंदू ही नहीं, बल्कि देश का हर धर्म का व्यक्ति बहुत खुश है, उत्साहित है। हालांकि एक यजमान है, उन यजमान का नाम है ओवैसी साहब, वो कहीं ना कहीं नाखुश हैं इससे, लेकिन देश का मुसलमान भी खुश है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर मानो ऐसा गर्व महसूस होता है कि हम जिस भारत में रह रहे हैं वहां पर इतने धर्म होने के बावजूद भी एक धर्म को लेकर आस्था है और कहीं ना कहीं उसका सम्मान भी है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो मिल जाएंगे। मुसलमान भी खुश है, सिख भी खुश है, जैनी भी खुश है, बौद्ध भी खुश है, हर कोई खुश है कि इतने सालों बाद आखिर जिसका सपना हमने देखा था वो साकार होने जा रहा है। बहुत इंतजार किया है, बहुत इंतजार, आंखों में नीर भरकर लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। अब समय कम है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उत्साह और ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। तो राजनीति मत करिए और राजनीतिक हिसाब से हर एक मुद्दे को घुमाने की कोशिश मत करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो इंडिया अलायंस का कोई भी दल हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश बाबू हो, कोई भी हो, आस्था का प्रतीक है, जुड़िए आस्था से। और साथ ही साथ आप कहते हैं कि भगवान आपके भी हैं, राम आपके भी हैं, बिल्कुल आपके भी हैं, राम आपके हैं, लेकिन उसको इस तरीके से बांटने की कोशिश मत करिए। जो आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए गलत साबित होगा। तो एक राजनीति में अच्छा एग्जाम्पल सेट करें, आप लोगों से यही उम्मीद है, क्योंकि हम लोग भी धरातल पर जाते हैं, तो जितनी नफरत आप अपने बयानों से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं धरातल पर उतनी नज़र नहीं आती है। इक्का दुक्का लोग हैं जो कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो। भारत एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।